जॉब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, वो यानी हमारी वो होती है, ठीक सर। ये इक्वल टू सेवन जो है ये मतलब आउटकम होगा या इसी ऑपरेशन में आएगा है। हाँ, जब मैं अच्छा इसको आगे जब मैं एक्सटेंड करूंगा ना इज इक्वल टू, और उसके बाद फिर वो आंसर आता है, तो वो ऑपरेटर वो पूरा फिर ऑपरेशन एक्सटेंड होता जा रहा है कि उसके अंदर आपके दो ऑपरेशन हो जाएंगे, फिर पहला ऑपरेशन एडिशन का, दूसरा ऑपरेशन एडिशन का जो रिजल्ट है वो शो करवा रहा है, ठीक है। तो वो पूरा यानी ऑपरेशन बढ़ता जाएगा। तो अभी हम उसको ही डिस्कस करने वाले हैं कि यार ये चीज है क्या। तो थैंक यू सर। हमारे हमें ये पता चला कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए बीच में कुछ ऑपरेटर लगाते हैं। अच्छा, पाइथन भी ना यही काम करता है। अब देखो मैं आपको ये स्क्रीन प्रिंट शूट ला, आप लोग अपने अपने पास ले लें ताकि आप लोग के पास मौजूद हो, फिर मैं इसको व्हाइट बोर्ड को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हटा दो स्क्रीन, किसी ने भी एक स्क्रीन शॉट ले लिया तो एक बंदा बस चैट में भी शेयर कर दे तो बहुत इनफ है। स्टॉप करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर, ठीक है। ये हमने डेटा लिया, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन 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 के अंदर क्या होता है, ऑपरेंड और ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हमने अपनी याद दिलाने के लिए, इसको क्या हुआ, ओके। तो हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेंड ऑपरेटर्स है, हमने वहां पे डायग्राम के थ्रू सीख लिया है। अब मैं जैसे कहता हूँ प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट का एक फंक्शन है जो कि आपको जब भी कोई चीज प्रिंट करवानी है तो आप कहते हैं प्रिंट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ कहता हूँ 5 प्लस 7 या 2 था, जो भी था। अच्छा, एक चीज आप नोट करें कि आपके जो नंबर वगैरह है, कलर ऑपरेटर का कलर किस उसमें आ रहा है, पर्पल में, ठीक है। तो ये भी इंडिकेटर है कि ये आपका क्या ऑपरेटर है। तो 5 प्लस 2 क्या होता है दोस्तों, 7। इसी तरह मैं कोई लिखता हूं प्रिंट, मैं कहता हूं 5 माइनस 2, क्या होगा आंसर दोस्तों, 3, ठीक है। अच्छा, इसी तरह होता है हमारे पास प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरह 5 हमारे पास होता है मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, पावर के लिए डबल स्टेरिक हमारा लगता है, तो 5 पावर 2 क्या होगी दोस्तों, ठीक है। ये आपका नया ऑपरेटर ही किस लिए, पावर के लिए 25। अच्छा, एक हमारे पास होता है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन क्या है वो हम देख लेते हैं। आप एक चीज नोट करें, जब आपने 5 को डिवाइड किया कि इससे 2 से, आपका आंसर किस में आ रहा है, डेसिमल फ्लोट में आ रहा है, ठीक है। इसको डेसिमल फ्लोट इसने सारे नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब यही काम जब मैं डबल से यानी ये बैक स्लैश लगाता हूँ ना, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी, तो ये करता है आपका फ्लोर डिवीजन। क्या फर्क देख रहे हैं दोनों में दोस्तों, आंसर खत्म कर दिया सर, फिर ठीक है। अच्छा, एक चीज ना मैं आपको बता दूं, एक होता है आपके पास सील और एक होता है आपके पास फ्लोर, ठीक है। सील और ये फ्लोर का मतलब क्या है, सील कहते हैं ऊपर वाली छत को, फ्लोर कहते हैं फर्श को, ठीक है। तो मैं इसको क्या कह रहा हूं दोस्तों, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या, पॉइंट में कोई भी वैल्यू होगी उसको ये राउंड करके क्या कर देगा, 2.5 का इंटीजर कम कर देगा, सही है, कम कर देगा। तो यहाँ पे इसने वेव वाला काम किया, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। तो ये ऑपरेटर फ्लोर डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट वाले जो है हमारे पास, ये जो है राउंड करने के बजाय जो हमारा डिवाइडर है वो नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, डिवाइडर, डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, जब हम तो इसलिए ये 2 दे रहा है।
नहीं नहीं रिमाइंडर जो होता है ना, ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू जो होती है ये वो आपको देता है। रिमाइंडर वैल्यू क्या होती है मैं जरा आपको बताऊं, लाइक बॉटम वैल्यू नहीं, फ्लोर डिवीजन ऊपर जो आपकी यानी टॉप वैल्यू है ना ये वही दे रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लोर डिवीजन में उसका जो आंसर होता है उसको राउंड डाउन कर देता है, बस इसका इतना सा काम है। हाँ उसकी बात हम चल जी। सर ये जुपिटर जो आपने बुक है या जो भी मतलब, ये आपने गूगल से बुक किया हुआ या एनाकोंडा तो मैंने डाउनलोड किया, सॉरी मैं लास्ट क्लास में नहीं था, तो ये जहाँ पे आप ये ऑपरेशन रन कर रहे हैं ये किस तरह से, अगर टाइम इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। एनाकोंडा तो मेरे पास सिंपल कोडिंग वाला वो आती है, विंडो आती है जो मैंने एनाकोंडा मैंने डाउनलोड किया हुआ। एनाकोंडा आपने डाउनलोड किया है ना, तो आप अपने एड्रेस बार पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे CMD, उसको मिटा के पूरे एड्रेस को, और वहां पे लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा, ये इंटरफेस खुलेगा, मैं पीछे करता हूँ, ये यहाँ से जाके न्यू करके आप पहला वाला ऑप्शन Python 3 फाइल आप बना देंगे, तो आप जैसे करेंगे ये एक फाइल खुल जाएगी, इसका नाम अनटाइटल आ रहा होगा, नाम चेंज करके जो भी कोड करना चाहे करना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है उसको आप देख सकते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। और अभी यानी आप प्रैक्टिस में अगर ना हो तो कॉलेब को इस्तेमाल कर लिएगा, रुकना नहीं, ठीक है, तो रुकना नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह GitHub पे हम अपना वर्क को सेव कर सकते हैं, इस तरह ऑब्सीडियन है एक जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम अपने जो है ना डॉक्यूमेंट बना के या इस तरह प्रोग्रामिंग को सेव कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं ऑब्सीडियन के बारे में कि वो इससे किस तरह मिलता है या किस तरह डिफरेंस है इसका? अजय हसनैन मैं इन तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल अपना डेटा रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो जी, हम जी, जी. हम उस तरफ जाएंगे जो कि जनरल पर्पस हो और सबके लिए अच्छा हो, ठीक है, सब उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो यानी आपकी मर्जी है, आप ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें, आप टावर को इस्तेमाल करें, और बेशुमार हमारे पास यानी इसके फ्लेवर्स मौजूद हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम प्रोग्रामिंग को मैनेज करने के लिए। लेकिन जनरल पर्पज पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड है ओपन सोर्स वगैरह के लिए वो क्या GitHub, तो इस वजह से हम GitHub के ऊपर रखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी बोले जिशान, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया, वो कनेक्ट हो गया तो देख लेते हैं। अरे जी हमारे पास हो गया लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, ठीक है, फ्लोर डिवीजन, एक हमारे पास होता है परसेंटेज का साइन जो कि मॉड्यूलस का काम करता है। अच्छा मॉड्यूलस क्या है पहले वो देख लेते हैं। खुर्शीद आपकी आवाज एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई, स्लो हो गई थी, बोले दोबारा माइक करीब करके। सर इसके जैसे हम लोगों ने फ्लोर डिवीजन किया तो सीलिंग डिवीजन के लिए नोटेशन है? नहीं नोटेशन नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, उसके लिए मैथ्स की लाइब्रेरी इस्तेमाल होगी और उसके लिए फिर हम सील डिवीजन कर सकेंगे, ठीक है, मैथ डॉट सील का फंक्शन है जो राउंड अप कर देता है। अच्छा मैथ्स की लाइब्रेरी अलग से इम्पोर्ट करना पड़ती है, डायरेक्टली वो काम नहीं करेगी। अच्छा हमने क्या किया, ठीक है, आप 11 को मॉड्यूलस लें 3 से, ये अच्छा हैश के बाद जो मैं लिख रहा हूँ ना मशीन उसको नहीं पढ़ती दोस्तों, इसे हम कहते हैं कमेंट करना। हैश के बाद जो भी मैं लिख रहा हूँ और वो आपका लाइट ब्लू या जो भी आपके कलर आ रहा है इस कलर में कन्वर्ट कर रही है, ये क्या है आपका कमेंट। कमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल, इंसान के पढ़ने के लिए मशीन इसको इग्नोर करती है, तो वो यानी इतने पार्ट को चला रही है बाकी इस वाले पार्ट को वो कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। हैश के बाद जो भी मैंने लिखा हुआ है वो उसको कोड को नहीं चलाता ना उसमें कोई एरर, उसमें आप कुछ भी लिख लो पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो। फॉरवर्ड स्लैश से होगा ना, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से शॉर्ट की भी होता है, उससे भी होता है, बिल्कुल होता है, सही है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स लाइन कमेंट्स सारे होते हैं, बिल्कुल। सर ये डबल डिवीजन का क्या किस किस चीज का ऑपरेटर है डबल डिवीजन वाला? ये है फ्लोर डिवीजन, ठीक है, फ्लोर डिवीजन का मतलब फ्लोर, हमने कहा एक सील होता है एक आपका फ्लोर होता है, सील कहते हैं छत को टॉप पे जो होती है, फ्लोर कहते हैं नीचे जो आपका फर्श होता है। अब ये फ्लोर डिवीजन तो जो भी आपका नंबर आता है उसको फ्लोर कर देता है, ठीक है, उसको फर्श की तरफ यानी नीचे की तरफ लाता है। अच्छा हमारे पास है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस हेलो रिमाइंडर के लिए होता है। हेलो जी जी नदीम बोले,
फर्ज ये जो उसका डबल डिवीजन के बाद दो होए, अगर फात को हम दो से डिवाइड करें तो जवाब तीन होगा या चार हो जाएगा? कोई मसला नहीं, ये देखें क्या होगा। प्रिंट थैंक यू सर। ठीक है, सात डिवाइडेड बाय दो, सही है मॉड्यूलस के साथ। जी सर। क्या हुआ? जी सर तीन। ठीक है सर, रिमाइंडर आया। अच्छा नहीं, अभी हमने मॉड्यूलस नहीं चाहा, रिमाइंडर इससे आता है। अली इस पे पूरा मांगे जब उस पर काम करेंगे, जब अभी तो सिंपल हम समझ रहे हैं किससे, अभी राउंड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिंपल सिंपल ऑपरेटर क्या काम कर रहे हैं। सर क्वेश्चन, इफ यू अलाउ मी प्लीज। जी वाजिद। सर ये मतलब मैंने सेकंड क्लास नहीं दी, बार बार ये रिपीट करना चाहिए मेरे को, ये गूगल में क्यों ओपन हो रहा है? हम ये जुपिटर, ये जो आप पी2पी फंक्शंस कर रहे हैं, हम तो समझ जाते हैं सॉफ्टवेयर जो है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होंगे, इसी के अंदर हम सारी जो फंक्शन या जो भी ऑपरेटर हम करेंगे ऑपरेट तो उसी में होगा, ये गूगल में जाकर जुपिटर वहां पे मतलब ये चीजें हम क्यों फंक्शन रन कर रहे हैं? अच्छा वाजिद, इसका जवाब ये है कि ये ब्राउजर पे जाके ओपन हो रहा है, गूगल ब्राउजर, ठीक है, इंटरनेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही उस पर चल जाए तो ये तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस ब्राउजर में ओपन होगा, ये ब्राउजर में ओपन होगा, इंटरनेट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा अब हमारे पास है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है भाई? मॉड्यूलस बचपन से वैसे करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। तो लाइक मैं सी को क्लियर ऑल करता हूँ। अच्छा अब मॉड्यूलस क्या है यहाँ पे हम देखते हैं, आपने कहा 11, ठीक है, 11 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, अच्छा वो भाई जैसे भी बन रहा है एक्सेप्ट कर लिएगा। अच्छा तो रूल सबको याद है, कहाँ तक कभी पढ़ेंगे? ठीक है, तो 3 3 9, कितने बचेंगे? 2। ठीक है, ये जो बची हुई वैल्यू है ये आपको कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है जी, रिमाइंडर है। Tell us about reminder। और ये क्या है आपके पास? मॉड्यूलस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर वैल्यू आपकी रिमाइनिंग वैल्यू है, रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर वैल्यू है और इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। अब आपको ऑपरेशन पता चल गया, परसेंटेज का सिंबल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको क्या रिटर्न करता है दोस्तों? जी रिमाइंडर। ठीक है, इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लें और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा अब हम वापसी आते हैं। जी जी फरियाब सर, मेरा यहाँ एक ही क्वेश्चन है कि ना काफी इयर्स से प्रोग्रामिंग मतलब मैंने की है, क्योंकि मैंने बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, उस वक्त भी मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती थी कि ये जो मॉड्यूलस का साइन है, ये तो मुझे पता है कि ये रिमाइंडर के लिए होता है, लेकिन जब हम कोई भी प्रोग्राम की लॉजिक बना रहे होते हैं तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम मॉड्यूलस का ये वाला फंक्शन लगा के तो ये वाला टास्क अचीव कर सकते हैं? ठीक है, सिंपल से एग्जांपल है फरिया, मैं आपको कहता हूँ मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें, ठीक है, जिससे मैं ये बता सकूं कि ये नंबर ऑड है या इवन। ठीक है, कैसे पता चल सकता है? लेकिन मैं अगर 2 से मॉड्यूलस लूं और रिमाइंडर वैल्यू क्या बचे? 0। मॉड्यूलस लिया किससे? 2 से, और वैल्यू क्या बची? 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो उसको आप देखें वो 0 के बराबर है तो आप मुझे बताएं कि ऑड या इवन, तो वो आप लॉजिक चेक कर सकते हैं। एक और लॉजिक देता हूँ, मुझे वो नंबर निकाल के दें जो कि 7 15 और 30 के टेबल में आते हैं, निकाल सकते हैं आप? तो अब उसमें किसके मॉड्यूलस लेना पड़ेगा हमें? 7 से लेना पड़ेगा, उसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। और फिर उसके बाद 15 से लेना पड़ेगा, उसका आना चाहिए 0। और 30 से मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, उसका भी आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर तीनों का 0 आएगा तो इसका मतलब है ये नंबर तीनों टेबल में आता है।
जी सर ठीक है सर। तो इस तरह की बहुत सारी लॉजिक्स के अंदर हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जी मैं ये कह रही हूँ सर, हमें उस लॉजिक का कैसे पता चलेगा, यानी कि हम इसमें मॉड्यूलस का फंक्शन लगा के ये चीज अचीव कर सकते हैं, ये फिर हम वो प्रोग्राम इकट्ठे करके उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं या क्या उसकी टेक्निक? पहले सबसे पहले जब हम काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करते, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं ना उस फील्ड के, या एक्सपर्ट ना भी हो उनके साथ आप बैठते हैं, जो प्रोग्रामिंग वगैरह जानते हैं, या मैं ये चीज बनाना चाह रहा हूँ और मुझे ऐसा कोई सिस्टम बनाना जो ऑड और इवन मुझे बता सके, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई आपको कहता है कि नहीं यार 10 तक के टेबल जनरेट करवाओ, उससे देखो वैल्यू मैच हो रही है 2 का, और अगर उसमें वो नंबर आता तो इवन है, उसमें नहीं आता तो ये चीज है, एंड में यानी 0 या 2 आपका आता है, ये कोई भी एक वो लॉजिक बताता कि एंड के अंदर 0 आ जाए, एंड के अंदर आपके पास क्या आ जाए 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो उसने वो नंबर लिख दिया कि लास्ट वाला डिजिट उठाओ उसको देखो वो नंबर क्या है, तो वो ऑड है या इवन है, तो आपको 100 लोग लॉजिक बता देते ऐसे ही। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो और उससे अंदाजा लगाते हैं ऐसी कौन सी लॉजिक है जिसमें कम से कम स्टेप फॉलो हो और कम से कम कोड लिखो, वो मुझे ये चीज बता दे, तो फिर आप डिसीजन लेते हैं। एक बंदे ने बताया 2 से मॉड्यूलस ले लो, 0 अगर बच जाए सिंपल सी कहानी है, पता चल जाएगा इवन है। तो ये इस तरह हमें पता चलता है कि हम कैसा लॉजिक बनाएंगे, डायरेक्टली काम नहीं करते। आप कोडिंग तो करवा रहे हमें, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग भी हम सीखें, तो इसको करने के लिए क्या मेथड होगा? इसके लिए वही मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जी जी, आप कोई भी काम स्टार्ट करें आप 3-4 लोगों से डिस्कस करें, ठीक है, वो कहते हैं ना मशवरा करके काम करना चाहिए, वो मशवरा करा करें, वो डिस्कस किया करें, तो काफी लोगों ने उसमें काम किया होता है वो आपको बता देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अच्छा काम करना चाह रहे हो तो। सर मेरे नजदीक लॉजिक बिल्डिंग सबसे बेहतरीन पेपर पेंसिल पे होती है। बहुत सारे तरीके, देखो हर बंदे का सोचने का लिखने का तरीका समझने का तरीका अलग है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को अलग अलग सलाहियत यानी दी है, तो अक्सर हम असल में क्या करते हैं पैटर्न फाइंड कर रहे होते हैं, चीजें फाइंड कर रहे होते हैं, तो वो अलग अलग लोग ना अलग अलग तरीके से ना आसानी से याद रख रहे हैं। कुछ लोग इतने जीनियस होते हैं सिर्फ वन टाइम सुनते हैं देखते हैं उनको याद हो जाती है और जिंदगी भर याद रहती है, उनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि यार मुझसे लाइक मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझसे लोग 10 दफा मिलते हैं चेहरे मुझे याद रह जाते हैं, नाम याद नहीं होते, मुझे मिलता है ना मैंने चेहरा तो देखा हुआ, वो सलाम दुआ कर रहा सर मैंने आपसे पढ़ा ये वो, मैं सोचता रहता हूँ इसने पढ़ा कहाँ से, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब मेरी मेमोरी नाम को याद रखने में बड़ी क्या है वीक है, क्योंकि और जाहिर बात है वो इतने बड़े नेटवर्क में जब आप होते हैं इतने सारे नाम आप याद नहीं रख सकते, जबकि आप उस बंदे से आप बार बार भी मिल रहे होते हैं। लेकिन दूसरी जो चीजें कि हाँ किसकी क्या स्किल्स हैं, किसको क्या चीजें आती हैं, किसकी कितनी अच्छी लॉजिक है, वो मुझे याद दे जाती है, क्योंकि वो मेरे मतलब की चीज है। तो कुछ चीजें समझ आ रही है, हर बंदे की अलग यानी पर्सपेक्टिव होता है चीजों को मेमोराइज करने का याद करने का, ठीक है, तो हर बंदे का ये तो हर इंसान के साथ ऐसे ही है, जैसे वो प्रोसेसिंग करता है ज्यादा वो चीजों को पचीदा को लेके चलता है तो उसकी मेमोरी जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो उसे चीजें याद नहीं रहती, लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो तेजी से कर सकता है पहले की निस्बत, ये तो हर इंसान के साथ ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही हंसता है ऐसा ही है, ठीक है। तो रिसर्च भी है कि जितने भी यानी स्ट्रांग माइंड होते हैं उनकी जो यानी शॉर्ट मेमोरी या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके लिए मायने नहीं रखती ना। अब मेरे सामने कोई लाइक लैंड क्रूजर में आया आईफोन लेके आया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो देखूंगा कि यार उसकी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो क्या चीजें जानता है, उसकी नॉलेज क्या है, तो मेरा यानी पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखने का अलग है, और अगर कोई और बंदा देख रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, हो सकता है उसको जज उसकी यानी ड्रेसिंग से कर रहा हो, उसके मोबाइल से कर रहा हो, उसकी गाड़ी से कर रहा हो, तो अब हर बंदे का देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। आप अपने मतलब की चीजें याद रखते हैं, ठीक है, तो यही दिमाग का यानी रोल है। खैर हमने मॉड्यूलस का ऑपरेटर भी देख लिया, सारी चीजें देख ली। अच्छा फिर दूसरा हमारे पास जो ऑपरेटर्स है ना वो जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं वो है इक्वल, कौन सा इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर जो है ना ये इस्तेमाल होता है असाइनमेंट, ठीक है, असाइन एनी वैल्यू टू वेरिएबल,
अच्छा वेरिएबल की व्हाट वेरिएबल भी हम इसको कह सकते हैं, एक वर्ड और इस्तेमाल कर रहा हूँ प्लेस होल्डर, ठीक। तो ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने के लिए होता है। अच्छा देखें वेरिएबल क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो टाइम टू टाइम वेरी करे, चेंज हो, वेरी का मतलब है चेंज होने वाली, ऐसी कोई भी चीज जो टाइम टू टाइम वेरी करे, आज कुछ और है कल कुछ और है एक सेकंड बाद कुछ और हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। उसको हम वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो इंसान की हो या किसी भी डेटा की हो ऑर्गेनाइजेशन की हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल, जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, करा जा सकता है, जिसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है जी। अच्छा तो वेरिएबल मैंने क्या किया, मैंने कहा इंस्टीट्यूट, एक हम नाम रखते हैं लाइक स्कूल, हमारे स्कूल का नाम क्या है दोस्तों, ये प्लेस होल्डर है, ठीक है। तो स्कूल का नाम हमने क्या रख दिया, हमने लिखा पी आई ए आई सी, फैसिलिटी इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसका पूरा लिख लीजिएगा। अच्छा फिर क्या हुआ, हमने कहा बेज, कौन सा बेज है दोस्तों आपका, 36 and 37, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आपका लाइक टीचर, लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया, अच्छा आप लोग टाइमिंग क्या है, 9 to 12, ठीक है 9 AM to 12 PM। अच्छा दोस्तों ये देखिए ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल का क्या तरीका होता है इसको मैं देखें कमेंट्स में आपको सिखाने के लिए ना, ताकि आपको पता हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो, कमेंट्स सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ये कहता है, सिंटैक्स ये कहता है कि वेरिएबल नेम इक्वल का साइन आता है और उसके बाद यहाँ पे आते उसकी वैल्यू। अच्छा ये जो वैल्यू है ना, अच्छा ये जो वैल्यू है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे देख कमेंट की सूरत में लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यू है, वैल्यू में अभी हम दूसरे कुछ टाइप्स वगैरह भी पढ़ेंगे जो अभी नहीं पढ़ी, ठीक है। वैल्यू हमारी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, एनी डेटा टाइप, ठीक है। बाबी इसको इतना समझ लें, एनी टाइप कोई भी डेटा टाइप डाल सकता हूँ, और भी हम पढ़ेंगे डेटा टाइप क्या होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। ओके ये चीज समझ आ रही है। अच्छा अभी आप एक चीज नोट करें, मैंने जितनी भी वैल्यू डाली है जी, जितनी भी वैल्यू डाली है उसमें क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ना, डबल कोट से स्टार्ट हो रही है, डबल कोट से बंद हो रही है, ठीक है, डबल कोट से स्टार्ट हो रही है, डबल कोट से बंद हो रही है। अच्छा तो ये वैल्यू क्या होती है, स्कूल एक वेरिएबल बना है, ठीक है, यानी ये प्लेस होल्डर है। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, स्कूल ऐसा ही है, इस तरह आप बेज को भी प्रिंट करवा सकते हैं, आगे पीछे आप वेरिएबल के नाम लिखते हैं बेज, और क्या दोस्तों, टीचर, टाइमिंग एंड टाइमिंग, ठीक है। अच्छा अब एक चीज नोट करें, जी जी मैम, मैं भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्रिंटर उसके आगे वो नीचे लाइक टैग ये क्वेश्चन मार्क डाल दे, जी जी बिल्कुल, प्रिंट